गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज द लेक्चर 9 इन द चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एंड ये हमारा आज का लेक्चर जो है इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है। तो देखिए, इस क्वेश्चन वैसे तो हम मैक्सिमम कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई कोई चीज रहती है तो उसमें हम इसको कवर करेंगे। अभी देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस। ये दो हमारी दो इक्वेशन दे रखी है। तो मैंने आपको पहले लेक्चर्स में क्या समझाया था कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होती है वो क्या होती है, एक्चुअल में एक लाइन होती है वो। क्योंकि जब हम एक्स का पॉइंट लेते हैं, एक मान लें कोई भी एक्स की वैल्यू मानते हैं, तो उस पे वाई की वैल्यू सॉल्व आउट करते हैं और तब से हमारा एक्स और वाई से क्या बनता है, एक पॉइंट बनता है। तो एक पॉइंट से ऐसे फिर दूसरा पॉइंट बनाएंगे, दो दो पॉइंट से हम क्या खींच सकते हैं, हमारी एक लाइन खींच सकते हैं। तो ये क्या है, ये हमारी क्या है, लाइन। और ये भी क्या हमारी एक लाइन है, ठीक है। तो इन्हें क्या बता दी, ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, इनमें दो इन दो इक्वेशन का कोई ग्राफ बनेगा। तो इसके बारे में क्या पूछा है, या तो ये कोइंसिडेंस होंगी, कोइंसिडेंट मींस दोनों लाइनें सेम, या फिर ये पैरेलल होगी, पैरेलल मींस दोनों लाइनें कहीं भी ना मिले, या फिर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, या फिर केवल एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करें, या फिर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, या फिर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर या लंबवत हों। तो अभी देखिए भी इसमें हम कैसे करेंगे। तो हमने लास्ट टाइम जो सीखा था, हमने तो हमें क्या सीखा था कि दो हमारी लाइनें होती हैं वो या तो क्या हो सकती है, एक दूसरे की पैरेलल हो सकती हैं, या फिर एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक दूसरे के इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट हो सकती हैं, या फिर तीनों लाइनें, दोनों लाइनें ही हमारी सेम लाइनें होती। तीन केस हो सकते हैं, इनके अलावा कोई केस हो ही नहीं सकता दो लाइनों के बीच। आप तो सोच के भी देख सकते हो इसको। अभी हमने इसका क्या केस पढ़ा था, ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। ये तो हमारा कौन सा था, पैरेलल लाइन का केस था, और इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। तो ये क्या था, तो ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, इसका हमारा ये था। और दोनों लाइनों सेम हैं, तो सॉरी इसमें ये था हमारा इज नॉट इक्वल टू। यदि दोनों लाइनें हमारी सेम हैं तो इस केस में हमारा क्या होगा, ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। हमारे तीन केस बनते थे इसमें। हम पहले वाले दो वालों को देखेंगे, यदि दोनों बराबर नहीं है तो हमारा तीसरा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं, तो उसका क्या हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। और यदि दोनों बराबर आ जाते हैं तो हम तीसरे वाला चेक करते हैं, तीसरे वाला यदि बराबर आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों सेम लाइन है, इट मीन कोइंसिडेंट हो जाएंगी। यदि बराबर नहीं आता तो इट मीन क्या हो जाएगा, इट हैज नो सोल्यूशन, इट मीन ये पैरेलल है, किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे से नहीं काटती। यदि एक पॉइंट पे काटती है तो यूनिक सोल्यूशन, और किसी पे नहीं काटती तो नो सोल्यूशन, क्योंकि भी किसी भी पॉइंट पे ये काटती ही नहीं। यदि एवरी हर एक पॉइंट पे काटती हैं तो क्योंकि इसका हर एक पॉइंट क्या है, इसका एक सॉल्यूशन है, तो क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो अभी इसी बेस पे क्वेश्चन क्या करते हैं, ए वन बी वन ये क्या हमारे जो एक्स और वाई के और एक कॉन्स्टेंट पार्ट है इसके कोफिशियंट सही। तो अभी देखिए हमारा ए वन अपॉन ए टू, तो ए वन क्या है, सिक्स सिक्स बाई थ्री इक्वल टू माइनस ऑफ द टू अपॉन माइनस ऑफ द वन। तो अभी तीसरे वाला क्या हो जाएगा, नाइन अपॉन ट्वेल्व। इस केस में कि ये क्या रहा हमारा, इट्स टू बाई वन इक्वल टू टू बाई वन, दोनों बराबर हैं। ये क्या हमारा, तीन तिया नौ और तीन चौके बारह, थ्री बाई फोर, ये हमारा इसके इज नॉट इक्वल टू आ रहा है। तो हमारा एक केस कौन सा बनता है, तो हमारा एक केस बनता है, तो दीज लाइन आर, तो हमारी क्या होगी, लाइने पैरेलल है। सो दीज लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। यदि हमारा ये भी इक्वल आ जाता तो उसके में क्या हो जाती, हमारी कोइंसिडेंट हो जाती। यदि पहला दूसरे के बराबर नहीं होता तो इस केस में हमारी क्या हो जाती, इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इक्वेशन कैसे करते हैं, इसमें दो इक्वेशन है, अलग इक्वेशन दे दी, बाकी सेम ऐसे का एज इट इज पूछ रखा है इसने। तो अभी किस में हमारा क्या हो रहा, हमारा ए वन अपॉन ए टू, नीचे वाले दूसरे का कोफिशिएंट थ्री है, तो दूसरे वाले में क्या है, माइनस ऑफ द फिफ्टीन अपॉन माइनस ऑफ द
9 तो इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 24 अपॉन 5। अब इस केस में देखिए ये हमारा किससे जीरो कट हो रहा है, माइनस से माइनस, अभी 3 तिया और एंड 3 पंजा 15, 3 पंजे 15। अभी देखो 5/3 इक्वल टू 5/3, इसकी ये क्या रहा है, 5 ऊपर चला जाएगा, 8 × 5/24, तो ये क्या जाएगा 4 × 6 = 24, 8 × 3 = 24 पर 8 से कट रहा है, तो 5/3 = 5/3 = 5/3। तो हमारा कौन सा केस आ रहा है, हमारा तो कौन सा केस है हमारा, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला। तो इसके कितने सॉल्यूशन हो गए, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मीन्स क्या होता है, मतलब वो हर एक पॉइंट पे एक दूसरे पे कट कर रही हैं, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, दीज आर द कोइंसिडेंस राइज, तो दिस इज द ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें भी क्या हमारी दो इक्वेशन दे रखी है, हम ऐसे ही दोनों को, इन तीनों को सॉल्व आउट करेंगे। 2/1 एक्स का कोफिशियंट, इसमें एक्स का कोफिशियंट इक्वल टू प्लस ऑफ द 3 एंड माइनस ऑफ द 2 इक्वल टू माइनस ऑफ द 2 एंड माइनस ऑफ द 8, क्योंकि इसमें माइनस 2 माइनस 8, इसमें वाई का कोफिशियंट क्या है, प्लस 3 एंड माइनस 2, पहले वाले में क्या है 2 एंड 1। तो अब इस केस में देखना हमारा 2/1 3/2 माइनस का है, तो ये क्या है हमारा, इज नॉट इक्वल टू, यदि हमारे पहले वाले दो इक्वल टू नहीं आते तो इट मीन्स तीसरा सोल्व करो या फिर ना करो, उसमें दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मीन्स इन एक सॉल्यूशन मीन्स एक ही पॉइंट पे वो चीज एक दूसरे पे वो लाइनें कट कर रही है, तो इट मीन्स क्या होगा, इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, दिस इज द सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या दे रखी है, 3 एक्सप्रेशन दे रखे हैं और तीनों एक्सप्रेशन एक दूसरे के बराबर हैं, तो इसके ये भी बराबर है और इसके ये बराबर है, और इसलिए पहले वाला तीसरे वाले के भी बराबर हो जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट तो सोल्व आउट करेंगे, या तो हम इक्वल टू k के बराबर ले सकते हैं, या फिर एक दूसरा दूसरा केस बनता है, इसको इसके इक्वेट कर लें और फिर बाद में इसको इससे इक्वेट कर लेंगे, तो हमारी दो इक्वेशन निकल जाएंगे। प्रत्येक काम करते हैं, पहले हम इसको उन दोनों को इक्वेट करते हैं, दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू दिस 2x + y + 2/5 इक्वल टू 3x - y + 1/3। तो भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 की पूरे से हो जाएगी 6x + 3y + 6 = 15x - 5y + 5, क्योंकि 5 की पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसके बाद क्या हो जाएगा, 6x और माइनस 15x माइनस ऑफ द 9x, ये 3y प्लस ऑफ द 5y क्या हो जाएगा, प्लस 8y इक्वल टू, ये 5 है और इधर आके माइनस का 6 हो जाएगा माइनस ऑफ द 1। दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट, इसे हमारी पहली इक्वेशन आ गई। अभी क्या करेंगे दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए, अभी ये इसके बराबर भी है तो भी इसको इसके बराबर रख देंगे, तो 3x - y + 1/3 इक्वल टू 3x + 2y + 1/6। तो अभी वापस फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 × 18x - 6x + 6 = 3 × 3 = 9x + 6y + 3 किसके साथ, पूरे साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसमें होने के बाद हमारी दूसरी इक्वेशन क्या आ रही है, हमारी 18 और -9, तो 9x - 6x - 6y आएगा इधर, क्योंकि 6 × 18 - 6y, तो -6y उधर क्या है, +6y इधर आके -6y हो जाएगा, तो माइनस ऑफ द 12y इक्वल टू, ये +3 है ये माइनस आके 6 इधर हो जाएगा माइनस ऑफ द 3। दिस इज इक्वेशन 2। अभी हमारी क्या आ गई, दो इक्वेशन आ गई, तो दो इक्वेशन आ गई तो हमारी सिंपल इक्वेशन है, यदि हम इनको सोल्व आउट करेंगे तो हमारा सिंपल क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसमें भी x का कोफिशियंट 9 है, इसमें
प्लस नाइन इसमें माइनस नाइन है तो हम इसको ऐड कर देंगे वन प्लस में टू, वन और टू को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ द नाइन एक्स प्लस एट वाई इक्वल टू माइनस वन, दिस इज नाइन एक्स माइनस ऑफ द ट्वेल्व वाई इक्वल टू माइनस ऑफ द थ्री, दिस इज ये कट हो जाएगा तो माइनस ऑफ द फोर वाई इक्वल टू माइनस ऑफ द फोर वाई इक्वल टू क्या हो गया वन। तो y की वैल्यू किसी इक्वेशन में रखेंगे तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में रखेंगे तो माइनस ऑफ द नाइन एक्स प्लस ऑफ द एट इंटू वन इक्वल टू माइनस ऑफ द वन, तो x इक्वल टू क्या आ गया आपका वन के बराबर आ जाएगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमें इस क्वेश्चन में क्या लग रहा है x और y ये अपनी जगह पे ठीक है लेकिन जो 3xy है ये तो हमें थोड़ा सा ओड सा लग रहा है, तो इस केस को हम इसमें भी सोल्व कर सकते हैं। इसके लिए हम कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमें xy को हटाना है तो इस केस में हम क्या करेंगे xy को हम इधर ले आएंगे या फिर हम डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय द xy, तो इसमें क्या करेंगे डिवाइडिंग xy ऑन बोथ साइड्स, तो डिवाइडिंग कर दो या फिर ये थ्री के साथ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा या फाइव के साथ ही मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा वो सेम बात है। तो इसमें दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो यहां पे क्या बच जाएगा फोर एक्स अपॉन यहां पर एक्स वाई डिवाइड हो रहा है प्लस में सिक्स वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू थ्री एक्स वाई अपॉन एक्स वाई, तो हमारी एक क्वेश्चन क्या बन जाएगी एट एक्स अपॉन एक्स वाई प्लस नाइन वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू फाइव एक्स वाई अपॉन एक्स वाई, ये हमारी इसमें चेंज हो जाएंगी। तो ये इक्वेशन किसके बराबर आ गई फोर अपॉन वाई प्लस सिक्स अपॉन एक्स इक्वल टू थ्री, और दूसरी इक्वेशन हमारी क्या होगी एट अपॉन वाई प्लस नाइन अपॉन एक्स इक्वल टू फाइव। तो हम क्या मान लेंगे इसमें, तो हमारी तो वैसी इक्वेशन बन गई। अब इसमें वन लेट वन अपॉन वाई इक्वल टू ए एंड वन अपॉन एक्स इक्वल टू बी, तो अब इसके मानने के बाद हम इसको डायरेक्ट सॉल्व आउट कर देंगे क्या आ जाएगी फोर ए प्लस सिक्स बी इक्वल टू थ्री, और हमारी इक्वेशन बन जाएगी फोर एट ए प्लस नाइन बी इक्वल टू फाइव। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। तो क्या करेंगे हम एक में से दो को घटा देंगे तो वन माइनस टू करेंगे तो क्या हो गया फोर ए प्लस नाइन बी इक्वल टू फाइव, इसमें से घटाने से क्या बचाएगा आपका माइनस ऑफ द थ्री बी इक्वल टू माइनस ऑफ द टू। सॉरी बच्चों इसमें क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, एट अपॉन वाई है यहाँ पे क्या आएगा आपका एट ए आएगा यहाँ पे, तो एट ए आने के बाद तब हमारी इक्वेशन में क्या चेंजिंग होंगी हमारी, तो हम फिर क्या करेंगे हमारी इक्वेशन फर्स्ट है उसके अंदर हमें मल्टीप्लाई करेंगे किससे टू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट इंटू टू एंड माइनस ऑफ द इक्वेशन टू, तो इसमें करेंगे तो आपका इसको दो से करेंगे तो चार दुनी आठ ए प्लस में बारह बी इक्वल टू छः, और पीछे में क्या आ जाएगा एट ए प्लस ऑफ द नाइन बी इक्वल टू फाइव, ये एज इट इज रहेगी ऐसे की ऐसे, तो इसके अंदर घटाएंगे तो ये माइनस दिस इज माइनस दिस इज माइनस, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी तो बारह में से नौ गए थ्री बी इक्वल टू वन, तो b इक्वल टू आपकी क्या जाएगी वन बाई थ्री, तो हमारी b की वैल्यू क्या आ गई इसमें वन बाई थ्री। यदि b की वैल्यू आ गई तो हमारी b हमें किसके बराबर माना था, हमें वन अपॉन x के बराबर माना था, तो इसलिए विच इन प्लो x की वैल्यू क्या होगी हमारी थ्री, x की वैल्यू हमारी b की वैल्यू क्या होगी वन बाई थ्री, तो इसमें हमारे b की वैल्यू वन बाई थ्री होगी, तो हम इसको इनमें वैल्यू पुट कर सकते हैं या तो इक्वेशन फर्स्ट में या फिर इक्वेशन सेकंड में, तो बी की वैल्यू वन हम इसमें पुट कर सकते हैं वन में, तो पुट इन वन, तो वन में पुट करेंगे तो फोर ए प्लस ऑफ द सिक्स इंटू बी की वैल्यू क्या है वन बाई थ्री इक्वल टू, इसमें किसके बराबर दे रखी है थ्री के बराबर दे रखी है,
तो ये आपके आ गया 4a इक्वल टू 3, ये क्या है माइनस ऑफ द 2 आ जाएगी, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4। और a आने के बाद फिर हमारा क्या हो जाएगा, a की वैल्यू में किसके बराबर मान रखी है 1/y के बराबर, तो हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो हमारी इन इक्वेशंस में x और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी देखिए इन इक्वेशंस को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो इन इक्वेशन में क्या खास बात है, मिली 29 और 37 से इसको हम एलिमिनेट करना चाहेंगे, तो 29 और 37 से आपके मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा टिपिकल काम हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस केस में हमें क्या लग रहा है, जो x का जो कोफिशियंट है वो इसके अंदर क्या है, y का कोफिशियंट है, और जो इसके अंदर y का कोफिशियंट है वो दूसरी वाली इक्वेशन के अंदर क्या है, x का कोफिशियंट है। तो इट मीन दोनों सेम है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको तो मान लो इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लो इक्वेशन सेकंड। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पहले तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन टू करेंगे, तो इन दोनों में जोड़ेंगे तो 29 और 37 कितना होगा, 9 और 7 16, 3 और 3 6, तो 66x प्लस ऑफ द, ये भी हमारा क्या जाएगा 37 और 29 सेम बात है, ये भी 66x इक्वल टू, हम इसको एड अप करेंगे तो कितना हो जाएगा 198, हमारा क्या होगा ये 198। अब इसमें 66 क्या हमारा, 66 हमारा क्या रहा है, ये कॉमन आ रहा है, तो x प्लस, सुनिए यहां पे y आएगा, प्लस y इक्वल टू ये कितने से कट रहा है, 3 से पूरा कट आउट हो रहा है, तो हमारा 66 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर थर्ड। तो इसके बाद पहले तो 1 और 2 को ऐड किया है, इसके बाद इसको 1 में से 2 को फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो नाउ फर्स्ट माइनस सेकंड, वैसे हम ऐसा क्वेश्चन एक बार पहले कर भी चुके हैं, तो इसमें फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 29 और माइनस 37 माइनस ऑफ द 8x हो जाएगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा प्लस ऑफ द 8y हो जाएगा, क्योंकि 37 में से 20 आएगा 8, तो इक्वल टू 103 माइनस में 95 इक्वल टू किसके बराबर होगा 8 के बराबर हो गया। तो अब इसमें कॉमन क्या रहा है हमारा, 8 को मना रहा है, तो 8 को मना तो माइनस ऑफ द एक्स प्लस ऑफ द वाई इक्वल टू 1, तो इसमें से कट हो जाएगा, तो दिस इज इक्वेशन 4। तो मिक्स इसको तो आराम से सोल्व आउट कर सकते हैं, तो इसको सोल्व आउट करने के बाद हमारी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें हमारी वाई की वैल्यू आएगी 2 और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी एक्स इक्वल टू 1, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए इसको कैसे सोल्व आउट करेंगे, हमने देखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है क्वेश्चन, क्योंकि 2 की पावर x प्लस वाई एक बार 2 की पावर x माइनस वाई है और रूट 8 के बराबर है, तो इसमें देखिए मैं पहले तो देखिए इसका बेस क्या हमारा 2 है, इसका बेस क्या हमारा 2 है, तो इस केस से ही हमारा क्या लग रहा है हमें, ये दोनों के बीच में क्या है साइन क्या हमारा इक्वल है, तो इक्वल है तो इस केस में ये भी 2 का बेस है और ये भी 2 बेस है, इसकी पावर ये है और पावर ये है, तो इस केस में हमारा इन्हें दे क्या रखा है बीच में साइन ऑफ इक्वेशन दे रखा है, तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू एक्स माइनस ऑफ द वाई, हमारा ये क्या हो रहा है हमारा दोनों, तो इस केस में देखो हमारा एक्स से एक्स कट हो जाएगा, तो y इक्वल टू माइनस ऑफ द y, ये हो सकता है क्या, ये y इक्वल टू माइनस ऑफ द y, बताओ ये केवल एक केस में होगा, किस केस में होगा when y इक्वल टू 0, जब y की वैल्यू 0 होगी, तो 0 और माइनस 0 दोनों सेम होते हैं, चाहे इसके अलावा आप कोई भी केस लोगे तो उसमें y इज नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ द वाई हमेशा आएगा, ओनली वैन आएगा ये, दिस इज ओनली वैन, वैसे इसे दे रखा ये इसके बराबर भी रखोगे तो उसमें भी हमारा सेम ही होगा, फॉर एग्जाम्पल देखिए रूट 8 को क्या लिख सकते हैं हम, रूट 8 इक्वल टू अंदर 2 की पावर 3 है
क्योंकि 8 क्या होता है 2 की पावर 3 होता है इसमें, और रूट क्या पावर होती है 2 की, तो 2 × √3 × 1/2 क्योंकि 1/2 किसकी पावर होती है, रूट की पावर होती है, तो हमारा रूट 8 किसके बराबर हो गया 2 × √3/2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम इक्वल टू 2 × √2/3 हम ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू लिखने के बाद ये पावर बेस 2 हो गया, ये भी हमारा बेस 2 है और दिस बेस इज ऑल्सो 2। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, x + y = x - y = 2/3। तो हम पहले और तीसरे को इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + y = 2/3 और हमारा x माइनस दूसरे को इक्वेट करेंगे तो x - y = 2/3। क्या रहा हमारा, ये हमारी इससे इसको इक्वेट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा और इसको इसे इक्वेट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। तो इस केस में हम क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, हमारी इक्वेशन 2 हो गई। तो फर्स्ट प्लस में सेकंड करेंगे तो y से y कट हो जाएगा, तो 2x की वैल्यू क्या होगी हमारी 2/3 + 2/3 = क्या होगी हमारी 3 × 2 = 4/3। तो x की वैल्यू किसके बराबर होगी 4/3 × 1/2 इधर आगे डिवाइड बाई हो जाएगा तो 2/3। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई इसमें 2/3। हम इस 2/3 को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमारा x की वैल्यू क्या है 2/3 माइनस ऑफ द प्लस ऑफ द y, ये इसके से बराबर है 2/3 के बराबर है। तो इसमें y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2/3 और माइनस ऑफ द 2/3, तो y = 0। हम इसे भी सोल्व आउट कर सकते हैं, लेकिन यदि फर्स्ट इसी चीज में ही चीज के बराबर दे दी तो हम इसको भी डायरेक्ट यहां से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन यदि साथ में दे रखा है तो हम इससे भी